उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस व गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो गोकशी करने वाले व एक सिपाही जख्मी हो गया है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोकशों के तीन साथी भाग निकलने में सफल रहे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बेनीगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कल्याणमल गांव में चौकी के आगे भटीरिया गांव के पास आम की बाग में कुछ लोग गाय काटकर गौमांस निकाल रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम व प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस फोर्स को देखते ही वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एक सिपाही सत्य प्रकाश के दाएं हाथ में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में दो लोग घायल हो गए हैं, जबकि तीन लोग भाग निकलने में सफल रहे। घायलों ने अपने नाम मुजीद पुत्र मजीद उर्फ अज्जू, दूसरे ने अपना नाम हसी पुत्र नजीर निवासी मोहल्ला लालपीर बताया है, जबकि इनके तीन साथी सबीर निवासी मीरापुर 8, रहीस पुत्र मुंशी निवासी कुराना, अनवार निवासी लालीपार मौके से फरार हो गए हैं। एएसपी ज्ञानजय सिंह ने बताया कि फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारों के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौके से करीब 14 क्विंटल गोमांस, 9 सिर व पूंछ, 36 खुर, 9 खाल, 2 बांके, 1 कुल्हाड़ी, 4 चाकू, रस्सी, तिरपाल व पन्नी, 2 तमंचे, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। चौकी है बेनीगंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पर गोकशी कर रहे थे लोग। उसकी सूचना पर पुलिस पार्टी जब वहाँ मौके पर पहुंची तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया, फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें दो लोगों को गोली लगी है। हसीब और मुजीब नाम के दो व्यक्ति हैं। इसमें मुजीब के ऊपर पुराने भी कई मुकदमे कायम थे और गोकसी और 302 से रिलेटेड कई मामले उसके पास में वांछित था। वांछित क्या, वो उसके ऊपर मुकदमे थे और उसमें वहाँ पे काटने के सामान, छुरी, चाकू और गड़ासा, रस्सी, ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। गोमांस भी मिला है वहाँ पर, उसको कलेक्ट किया गया है और तीन व्यक्ति मौके से फरार हैं, उनकी जो है तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। क्या इसमें कोई सिपाही भी जख्मी हुआ है? हाँ, एक सिपाही को मामूली चोटें आई हैं। सर, गोमांस कितना बरामद? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।